कबीर जी के आसपास के समय में तुलसीदास जी हुए, संत तुलसीदास, रामचरित मानस के रचयिता। किसी ने कबीर जी से पूछा कि तुलसीदास जी कैसा लिखते हैं, तब कबीर जी ने बताया, कौन तुलसीदास, वो कविताएं कहाँ लिखता है। लोगों ने पूछा, अगर कविताएं नहीं लिखता है तो क्या लिखता है तुलसीदास। कबीर जी ने कहा, वो कविताएं नहीं लिखता है, वो तो मंत्र लिखता है। जब कविता में मंत्र की ऊंचाई आ जाती है, तब हम जो जीते हैं उसे जीना कहते हैं। जीवन को अपने पास आना है, लेकिन हम उनसे दूरी बनाए रखे हुए हैं। हम यही शब्द बोलते हैं जो शब्द कवियों बोलते हैं, लिखते हैं। गालिब साहब ने तो वहाँ तक लिखा कि आते हैं गेब से ये मजामी ख्याल में, गालिब शरीर एक खामा नवाए सरोश है। मैं जो लिखता हूँ वो लिखते टाइम पे जो लिखने की, कागज़ और कलम की आवाज़ होती है, वो आवाज़ कोई और नहीं, जो फरिश्ते हैं उनकी पांखों का गुंजन है। हमें अपने पास जीवन को बुलाना है, ए जिंदगी मेरे घर आना, वो तो आना चाहती है, हमारे खुद के आंसू से अपने आप को भिगोना चाहती है। हमारा अकेलापन जिंदगी को भी महसूस नहीं होता है, ऐसा नहीं है, वो भी हमारे अकेलेपन के साथ अकेली हो जाती है। लेकिन हम अपने आप को अपने खुद से दूर करके कहीं और व्यस्त हो जाते हैं। सुबह से शाम तक हम एक ही काम करते हैं, सामने वाला कैसे हमारे से इम्प्रेस हो। होता यह है, सामने वाला तो इम्प्रेस होता ही नहीं, वो अपने को डिप्रेस करके चला जाता है। क्यों न हम अपने खुद को महसूस करें, क्यों न हम अपनी खुद की आंखों में झांक के अपना पता मालूम करें। हिंदी का एक बहुत बड़ा शेर है, हम सब के लिए है, तुम जमाने की राह से आए, वरना बहुत सीधा था दिल का रास्ता। आइए अपने खुद के दिल के रास्ते पे चलते हुए खुद को मिलते हैं।